स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो क्लास 10 और 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 2021 में जो अपडेट सिलेबस के हिसाब से वो टॉपिक इस बार भी आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, और जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के लिए हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट अन अकेडमिक तरफ से। अभी आपको शाम 7 बजे लाइव क्लास मिलेगा बायोलॉजी का, जिसमें आपका एनसीईआरटी रिव्यू किया जाएगा प्लांट रिप्रोडक्शन इन 3 आवर्स, यानी एक स्पेशल क्लास चलेगा बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं। अगर आप 2021 में नीट को क्रैक करना चाहते हो तो जो ऐसे आपको स्पेशल क्लास मिल रहे हैं उन सभी क्लासेस को आप अटेंड करो, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ये लाइव चलेगा 7 बजे आप इसमें जुड़ सकते हो। अगर किसी कारणवश आप इस लाइव क्लास को मिस कर देते हो तो रिकॉर्डेड क्लास भी वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इस वीडियो को खत्म होने के बाद इस लाइव सेशन को 12th वाले स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आप लोग के सामने बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो आज फिगर ऑफ स्पीच, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच तो शायद ही आपने कहीं सीखा होगा या किसी ने टीचर ने आपको बताया होगा। मैं इतना इजी टॉपिक आज आपको फिगर ऑफ स्पीच का देने वाला हूं कि आप इसको एक बार समझ लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में इसे दोबारा आपको रिपीट करने की जरूरत भी नहीं होगी। कि ये फिगर ऑफ स्पीच जो है आपके जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके एग्जाम में जो है ये 4th मार्क्स का आने वाला है। 4 नंबर के होंगे आपके, ये कौन फिगर ऑफ स्पीच 4 नंबर के आने वाले हैं। क्या होगा, क्या 2 नंबर ये 4 मार्क्स होंगे, कैसे 2 डिफिनीशन पे होगा, देगा 2 किसी 1 फिगर ऑफ स्पीच का, उसमें दिया रहेगा 2-3 फिगर ऑफ स्पीच आपको दे देगा। कहेगा इनमें से किसी एक फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनीशन देते हुए आप क्या करो, इनके 2 एग्जाम्पल लिखो। तो आप क्या करोगे, तो 2 तो डिफिनीशन पे और 2 एग्जाम्पल पे 2 मार्क्स, आपके टोटल होते हैं 4 मार्क्स। तो हम बात करते हैं आपके कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या, जिसको आप हिंदी में देखो क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको कहते हैं अलंकार। हिंदी में इसको अलंकार बोलते हैं, ये शब्द सुना होगा आपने, कोई ये आपके लिए अलग चीज नहीं है। तो अलंकार जैसे आप क्या कहते हो, अलंकार क्या है, तो कहते हो कि काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो सेम वही चीज, और काव्य की बात होती है तो आप देखोगे जब अपनी बुक खोलोगे इंग्लिश की तो उसमें देखोगे कि पोएट्री के ठीक पहले ये फिगर आप स्पीच दिया होगा। क्यों, क्योंकि आप समझो कि किस पोयम में कौन सा फिगर आप स्पीच है। जैसे आपको हिंदी में पूछता है बताइए इस पद में कौन सा अलंकार है, वैसे आपको पहचानने का तरीका मैं एकदम ऐसा बताऊंगा कि आप तो कहोगे अरे सर हाँ इस लाइन में ये फिगर आप स्पीच है। तो अब ये ध्यान दे लो क्या लिखा है मैंने, अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा भाव है विच इज अनकॉमन एंड डेविएट्स ग्रेटर इफेक्ट इन पोएट्री। क्या करता है ये फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसा भाव है जो अनकॉमन एंड डेविएट्स, जो बहुत ही असाधारण होता है, अनकॉमन जो बहुत ही असाधारण होता है, एंड डेविएट्स ग्रेटर इफेक्ट और एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है, कहां पर, काव्यों पर। तो ये है फिगर ऑफ स्पीच आपका अलंकार। अब हम बात करते हैं बच्चों आपके ये कितने टाइप के होते हैं। देखो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश सिलेबस, बट अकॉर्डिंग टू 12th सिलेबस, जो 12वीं आपका जो है 12वीं के सिलेबस के अनुसार मैंने यहां पर 12वीं में आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करना है, तो मैंने 7 फिगर ऑफ स्पीच क्या है यहां पर लिख दिया है।
क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच हमें पोयम तो 9th 10th 11th सब में पढ़ना होता है, तो ये सभी लोगों के लिए क्या है, ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्योंकि अगर जिस लोगों ने, जिस भी स्टूडेंट ने ये फिगर ऑफ स्पीच क्लियर कर लिया, वो किसी भी पोयम को देख के बता सकता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आपको यही मैं क्लियर करने वाला हूं। इतने पढ़ने हैं, 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। कौन कौन से? सिमली पढ़ना है, मेटाफर पढ़ना है, पर्सोनिफिकेशन पढ़ना है, अपॉस्ट्रोफी पढ़ना है, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोया, ओनोमेटोपोया। अब ये क्या है, आप कहोगे सर इनके नाम क्या है? आप इसको हिंदी में हम बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उपमा, उपमा। इसको हिंदी में कहते हैं रूपक। इसको कहते हैं क्या? पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। ये उपमा अलंकार है, ये रूपक अलंकार है, ये मानवीकरण अलंकार है। अरे ये तो हिंदी वाला ही हम बता रहे, हिंदी ही है, बस इसको इंग्लिश में देखना है आपको। अब ये अपॉस्ट्रोफी, ये क्या है? अपॉस्ट्रोफी क्या है? संबोधन। अब इसको ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, एक पहले ही लिखा है हाइपरबोल। अपनी भाषा में कहो तो हाइपरबोल, ऊंचाई पे यानी खूब बढ़ा चढ़ा के बोल। तो ये क्या, इसे शुद्ध भाषा में अपनी, वो तो आपके बताने के लिए तो होता है, ऐसा नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ओनोमेटोपोया, इसे देख रहे हो कि एक प्रकार की साउंड ही निकल रहा है, तो ध्वनि सूचक अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार। ये आपके 7 प्रकार के हैं। कौन? ये फिगर ऑफ स्पीच। अब हम बात करते हैं, अब आपको मैं चूंकि पूरे वीडियो को आप देखते रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आपका, कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना, घटी तो घट जाएगा दुर्घटना। फिगर ऑफ स्पीच इसके बाद इतना आसान फिगर ऑफ स्पीच कोई बताने वाला है नहीं, तो देख लेना। अब तो बात करते हैं आपके पहले फिगर ऑफ स्पीच, हम सिमली के बारे में। कभी कभी कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर सिमली सिमली, कभी कभी कहता है इमली, नहीं तो इमली नहीं सिमली। तो हम सिमली के बारे में बात करते हैं, ये सिमली क्या है? तो आप उपमा में जब क्या कहते हो, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती, कहते हो ना, तो तुलना, जहां पर दो अलग अलग चीजों की आपस में तुलना की जाती है कि यह उसकी तरह है। तो जब किसी भी दो अलग अलग वस्तुओं की हम बीच में तुलना करते हैं, उनका कोई एक क्वालिटी उनमें क्या होता है, मिलता है, लेकिन चीजें अलग होती हैं, कोई एक गुण उनमें कॉमन होता है, उसे कहते हैं हम सिमली। देखो यहां हमने लिखा भी है कि अ सिमली इज अ कंपैरिजन, ये क्या है, एक तुलना है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के बीच, विच हैव एटलीस्ट, जो कम से कम वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक चीज क्या होती है, कॉमन होती है, मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे, पहचानने का। आप अगर पहचानने वाला तो अब आना नहीं है आपके एग्जाम में, तो पहले पहचानने के लिए आता था, अब क्या करना है, अब डिफिनीशन देना, लेकिन आप जान जाओ दिमाग में आपके तुरंत सेट हो जाएगा क्या, कि द वर्ड्स एज लाइक आर सो, एज लाइक आर सो आर यूज्ड फॉर कंपेयर, तुलना करने के लिए 3 वर्ड्स क्या है, जरूर दिए होते। अगर एक वर्ड कभी कभी जस्ट भी आता है, तो ये क्या है, एज लाइक सो यदि आ गया, जिस भी एग्जाम्पल में एज लाइक सो किसी भी लाइन में है, तो समझ जाएंगे कि वो पोयम का लाइन क्या है, आपका सिमली ही है। अब यहां ये बात आप परफेक्ट आप जान लो। अब मैं ये तो अगर डिफिनीशन आपको देखने में बड़ा, सर इतना बड़ा डिफिनीशन हम याद कैसे करेंगे, तो ये आपके बुक पे आधारित था।
तो ये मैं अब आपको अपनी भाषा में और आपकी लैंग्वेज आपके माइंड के अकॉर्डिंग जो जित कुछ के क्या होते हैं माइंड उतने ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो मैं उनको इतना इजी देने वाला हूं डिफिनेशन कि उस डिफिनेशन को याद करने को ये डिफिनेशन अपने आप याद हो जाता है। हाँ तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इन सिमली, इन अ सिमली, हमने यहां और लिखा अथवा दूसरा डिफिनेशन, तो पहले इन सिमली, इन अ सिमली हमने कहा कि इसमें क्या किया जाता है, दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है, तो बस वही हमने कहा दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है, तो पैसे बोल रहे हैं हम, तो दो, दो का क्या होता है टू, और फिर अलग अलग का डिफरेंट, टू डिफरेंट, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं की क्या की जाती है आर, आर तुलना की जाती है, आर कंपेयर्ड तुलना की जाती है, क्या की जाती है तुलना की जाती है। अब यहीं पर बस रहने दोगे और कुछ ज्यादा नहीं करोगे, तो इन सिमली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, दो अलग अलग प्रकार के की वस्तुओं की क्या की जाती है तुलना की जाती है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो दो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो अब ये चीजें कैसे क्लियर होगा आपको, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कहां पर कि यही वर्ड आपको याद होना चाहिए कि द वर्ड्स एज लाइक सो आर यूज्ड, ये लाइन कॉपी कर दोगे हो गया आपका। हाँ तो अब बात करते हैं हम किस चीज की, अब हम चलते हैं आपके एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल आप क्या दोगे, तुलना तो करते हैं लेकिन कैसे तुलना करते हैं, कैसे तुलना करते हैं, देखिए तो हम लिखेंगे, आप लिखोगे क्या कि लाइफ, दो चीजें अलग होंगी, लाइफ इज, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ जीवन है, जीवन तो है लाइक अ ड्रीम लेकिन सपने की तरह। अब बताइए जीवन को सपना माना गया है, नहीं, यहां कहा गया जीवन क्या है सपने की तरह है, यानी उस ये लाइफ और ड्रीम क्या एक चीज है, अलग है ना, तो दो अलग अलग चीजों की हमने क्या कर दिया, और जो तुलना करने वाला शब्द कौन इसमें आया है लाइक आया है, तो जीवन एक सपने की तरह है। अब यहीं पर देखो अगर यहीं पर बस लाइक को हम हटा दें, यहां लाइफ बोलने की लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है, इसका मतलब जीवन को हमने सपना मान लिया, तुरंत यहां पर मेटाफर हो जाएगा। एज लाइक सो हटा देने से, सिमली में से अगर एज लाइक सो हटा दें, अगर आपको एग्जाम में बस सिमली का डिफिनेशन याद है और मेटाफर का डिफिनेशन नहीं याद है, तो सिमली के डिफिनेशन ये, तो सिमली के एग्जाम्पल की बात करते हैं, सिमली का एग्जाम्पल याद है और मेटाफर का नहीं, तो सिमली के एग्जाम्पल में से एज लाइक सो को जहां पर हटा दीजिए, वो मेटाफर का एग्जाम्पल बन जाएगा जी। तो अब और क्या लिख सकते हो, और कभी कभी आप लोग भी तो बहुत कुछ बोलते हो, किसी की तुलना किसी से कर देते हो, तो आप क्या कह सकते हो, बोलते हो ना तो आप के ये भी कह सकते हो सी इज लवली, बोल सकते हो क्या सी इज लवली, सी इज लवली वह प्यारी है, दूसरा एग्जाम्पल है ये, पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा, सी इज लवली वो प्यारी है कैसी, लाइक अ रोज गुलाब की तरह, यानी वो गुलाब जैसी इतनी सुंदर है, वो गुलाब की तरह सुंदर है, यानी आपने इसकी तुलना किससे की, गुलाब के फूल से की। तो अब ये बताओ तुलना करने वाला वर्ड यहां पर भी कौन आया है, लाइक आया है, तो अगर लाइक आ जाए या सो आ जाए या एज आ जाए तो सिमली, अगर हम यहीं पर बस लिख दें हटा दें इसको, बोल दें कि सी इज लवली
सीज अ लवली रोज, ये वो एक सुंदर गुलाब है, हमने उसी को सुंदर गुलाब मान लिया। यहाँ पर तुरंत क्या हो जाएगा, मेटाफर, तुरंत मेटाफर हो जाएगा, याद रखिएगा। इन मेटाफर, मेटाफर में द थिंग्स कंपेयर्ड, अच्छा इसका एक और एग्जांपल चाहिए तो ले लो, और बहुत कई एग्जांपल हैं, हम आपके बहुत ज्यादा एग्जांपल आपको पीडीएफ में दे देंगे, तो लिख लो माई, देखो इसमें ये भी कह सकते हो आप, एक और एग्जांपल देखो, माई लव, माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, ये पोएम में है, माई लव इज, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। अब देखो आपने क्या तुलना कर दिया, कह रहे हो कि मेरा प्रेम क्या है, एक बहुत ही लाल लाल गुलाब की तरह है, बहुत ही गाढ़ा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अटूट है। तो आपने अपने प्रेम की तुलना किससे की, गुलाब के फूल से, यहां भी कंपेयरिंग ही आपने किया, तो ये भी आपका क्या है, ये भी क्या हो गया आपका, सिमली हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल आता है कि सीज एज फ्रेश एज अ ड्यू, वो उसके बूंदों की इतनी स्वच्छ है, बहुत ही स्वच्छ विचार के, स्वच्छ है, बहुत ही ताजी। तो ऐसे अब आप निकाल दोगे एज लाइक सो, तुरंत मेटाफर। अब बात करते मेटाफर की, इन मेटाफर द थिंग्स, वस्तुओं को आर कंपेयर, तुलना किया जाता है, आर ट्रीटेड या उन्हें बुलाया जाता है एज वन एंड द सेम। देखिए जैसे हमने यहां लिखा था, यहां पर क्या है, द थिंग्स कंपेयर आर ट्रीटेड एज वन, तो आप वस्तुओं को क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, उन्हें एक मान लिया जाता है। और इसमें जो एज लाइक सो है वो क्या होते हैं, प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो मेरी भाषा में भी आप ये क्या लिख सकते हो कि इन मेटाफर टू डिफरेंट, सेम डिफिनीशन इसी पे चलोगे, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सपोज्ड, मान लिए जाते हैं, बस ट्रांसलेट कर रहे हो आप, सपोज्ड एज वन क्या, बस इन सिमली या इन मेटाफर, यहां टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहां पर आपने लिखा आर कंपेयर्ड, कितना एक ही डिफिनेशन से दोनों याद हो रहा है आपको, ये दोनों लाइन सेम है, आर कंपेयर्ड आर सपोज्ड, यहां पर एज वन बस जोड़ दिए। अब इसमें क्या किए थे, इसमें लिखना था कि द वर्ड्स एज लाइक सो आर ना आर यूज्ड, यहां लिखना है कि द वर्ड्स एज लाइक आर सो आर नॉट यूज्ड, प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इसके आगे ये लाइन बढ़ा दोगे कि द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड, एज लाइक आर सो आर नॉट यूज्ड ओके। तो आप ये इन चीजों को क्या करोगे, क्लियर कर लोगे।